स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन. स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रॉम प्रीसीडिंग फ्यू लेक्चर्स. सो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द सीरीज, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. वी हैव डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज विच आर बीइंग अवेलेबल एंड हाउ ह्यूमन बीइंग कैन एक्ट एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. We have discussed what do you mean by birth rate, death rate, and why there is so much difference between birth rate and the death rate. If the birth rate is high, what does it resemble? If the death rate is high, what does it signify? In continuing the same series, we are going to discuss about pattern of population change. That means, why does the population of one place keeps on changing? Due to migration, it is not necessary that the developing country will always have higher population. Sometimes developing countries people migrate to another country or the another place also in search of employment, in search of better life, in search of better lifestyle, in order to study. Fine, there are so many reasons for which a person's people migrate from one place to another. So, from places people are migrating, the population will decrease, and the person where the people are going, that population is going to increase. So, it is definitely going to affect the changes. Next is population composition. Composition means the content. Content you can say कि अगर हमारे पॉपुलेशन में किस किस तरह के लोग हैं. अगर हम पूरे इंडिया के पॉपुलेशन की बात करते हैं, इतना बड़ी हमारी कंट्री है, तो उसमें कितने लोग लिटरेट हैं, ठीक है, कितने लोग इलिटरेट हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, एज ग्रुप के वाइज, एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली हम उनका बाइफर्केशन कर सकते हैं, ठीक है, और लिटरेसी लेवल कितने कितने लोग हैं, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, कम है, कितने लोग रूरल एरिया में रहते हैं, कितने लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, लोगों की नॉन वेजिटेरियन कितने हैं, वेजिटेरियन कितने हैं, ठीक है, कितने रिलीजन हम लोग प्रीस्ट करते हैं, तो उनका रेशियो क्या है. बहुत सारी चीजों के बीच में हम लोग अपने इस कंट्री का डिविजन कर सकते हैं, डिवाइड में हम कर सकते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल इट रिप्रेजेंट द होल परसेंटेज ऑफ आर ओन कंट्री. फाइन, तो हम कंपोजिशन का मतलब कि जिस जो हमारे पास जो पॉपुलेशन अवेलेबल है, जो हमारे पास जनसंख्या है, वो किस किस कैटेगराइज की है, मेल फीमेल बच्चे छोटे बूढ़े बुजुर्ग लोगों का कितने एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिली है, कितने प्राइवेटाइजेशन में है, कितने लोग बिजनेस करते हैं, कोई प्रोफेशनल है, ठीक है, या फिर और बहुत सारे बेसिस है जिसके ऊपर हमारे जो कंपोजिशन ऑफ आर कंट्री डिपेंड करता है, ठीक है. ये सारी चीजें गवर्नमेंट क्यों देखती है? गवर्नमेंट इसलिए देखती है कि अगर हमें ये पता है कि हमारे सपोज हमने ये पता किया कि 2019 में हमारे पास 80% थे लोग जो इलिटरेट थे, ठीक, तो ये तो बहुत ज्यादा गलत रेशियो है. तो हम क्या पॉलिसीज बनाएंगे कि 2030 तक हम इसको लो कर सकें, ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो ओनली गवर्नमेंट मेक अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज. अगर गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि भाई हमारा बर्थ रेट तो बहुत ही तेजी से गिर रहा है, कि मतलब कि बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपना पहला बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उन चीजों के बारे में रिसर्च करती है, फाइंड आउट करती है कि ऐसा रीजन क्यों है कि हमारा बर्थ रेट इतना तेजी से घट रहा है, या फिर हमारे जो बच्चे जो जिनको हम शिशु कह सकते हैं वो अपनी शैशवावस्था तक भी नहीं पहुंच पा रहे, ऐसा क्यों हो जा रहा है. ऐसा ही फिर देखिए आप लोग कितने सारे न्यूज़पेपर्स में भी एडवर्टीजमेंट आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और नेट पे सर्च करिए या फिर टेलीविजन पे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि बच्चों को कितने सारे टीकाकरण का आजकल प्रबंध होता है, क्यों होता है. All these kind of facilities help for the better development, help for the better health facilities to the kids, to the young ones.
ठीक है, कि बिल्कुल जब बच्चे पैदा होते हैं तभी तो उनको इंजेक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है, 3 महीने बाद, 9 महीने बाद, 16 महीने बाद, साल भर के बाद, फिर 5 साल के बाद, हमेशा क्यों अलग अलग स्टेजेस में उनको और पोलियो ड्रॉप उनको पिलाना, ये सब क्यों है? ताकि जो हमारा जो यंग ब्लड है वो सरवाइव कर पाए, क्योंकि इनको कल को पूरा देश संभालना है, कल को भविष्य संभालना है। अगर वो ही हैंडीकैप रहेंगे, वो नहीं स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा जो अच्छा खासा जो पेरेंट्स का अटेंशन है वो उनको उनपे चला जाएगा। देश का डेवलपमेंट कैसे होगा जब वो इन्हीं सब चीजों में लगे रहेंगे? और ये छोटे बच्चे ही तो कल को हमारे देश के सिटीजन बनेंगे। सो इफ दे आर नॉट हैप्पी, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट दे विल बी एक्टिंग एज अ प्रीशियस एसेट फॉर द कंट्री? फाइन, सो दैट्स व्हाई इफ दिस गवर्नमेंट वांट्स टू नो द व्हाट इज द पॉपुलेशन कंपोजिशन, हाउ मेनी पीपल आर लिटरेट, अलिटरेट, बर्थ रेट क्या है, ठीक है, डेथ रेट क्या है, फीमेल का रेशियो कितना है एज कम्पेयर टू मेल, क्यों पता करती है? ताकि ये पता करना चाहते हैं कि पर 1000 मेल के पास कितनी फीमेल्स होती हैं। और ज्यादातर जो हम फीमेल से रिलेटेड क्राइम्स वगैरह में के बारे में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ऐसे स्टेट्स में ज्यादा क्यों होते हैं जहां पर ये मेल और फीमेल के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है? क्यों होता है? बिकॉज ओवर देयर द गर्ल्स आर नॉट बीइंग सिक्योर, बिकॉज देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैप इज देयर बिटवीन द मेल एंड अ फीमेल, द पॉइंट द वे दे कीप ऑन looking at the moment keeps on changing. So that's why the government also try to make policies, try to make so many schemes so that this ratio has to be decreased. There should not be any gap between the male and a female. Fine. If we talk about Kerala and southern India, or where the literacy rate is higher, their female ratio and the male ratio are almost equal. Why so? Because the people are there are much aware. Yes, जितना लड़के इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे घर परिवार के लिए, उतना इम्पोर्टेंस हमारी लड़कियां भी रखती हैं। तो देर आर लेस केसेस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड की लड़कियों को जन्म देने का ही अधिकार नहीं होता है, उनको फीमेल इन्फेंटिसाइड हो जा रहा है, क्यों हो रहे हैं कि सारे अबॉर्शन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वेदर द न्यू बॉर्न बेबी इज अ बॉय और अ गर्ल, बिकॉज दीज आर सो मच ऑफ evils which are prevailing in the society. So when the government find out the reason behind it, what are the composition of population is there, how birth rate is decreasing or the death rate is decreasing, whatever is the reason, they try to find out the reason. If they see ki yes, the birth rate is now constant, so government also takes so many planning measures. They make the general people aware what are the planning measures which you can take to have your small family. Fine. Apart from it, you have to keep your children alive, healthy. So what are the nutrition, what are the health supplements, what are the extra care, health and hygiene you have to take in order to protect your and conserve and pamper your children. So many types of messages are being coming on the television, on the internet also, so that the general people, the common people, which gets aware ki hamari jansankhya ko hum kis tarah se control kar sakte hain, kis tarah se ladki aur ladki dono ahmiyat rakhte hain hamari society mein, kis tarah se hum birth control measures le sakte hain, theek hai, aur death ko kis tarah se control karenge taki hamari health facilities achhi ho. Agar hum analyze karte hain, hume pata chalta hai ki death का रेशियो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दैट मीन्स या तो कोई महामारी फैली हुई है या फिर डेथ रेशियो किस एशियो में ज्यादा है, किस एज ग्रुप में ज्यादा है, तब हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं क्यों है कि लोग 35 के बाद, 85 के बाद, 65 के बाद ज्यादा बीमार पड़ने लगते हैं, क्यों जॉइंट की प्रॉब्लम ज्यादा होती लगती है, क्या उसका कारण क्या होता है, मोटापा क्या है या फिर लैक ऑफ फिजिकल वर्क है, आखिर क्या रीजन है? तो जब इन सब चीजों का कारण जब पता चलता है तो उसी के साथ उनका निवारण हो सकता है. तो इसीलिए जो ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिसर्चेस करती है, सर्वेस कराती रहती है, उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारे नेक्स्ट 5 इयर्स के प्लान बनते हैं या नीति आयोग आजकल ज्यादा काम करती है, तो नीति आयोग की जो पॉलिसीज होती है वो इसी बेसिस पे काम करती है कि डेथ रेट कितना है, लिटरेसी रेट जिस स्टेट का बहुत अच्छा है
तो मतलब है कि वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, जहां पे लिटरेसी रेट कम है मतलब कि वहां पे बहुत बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, ठीक है। अगर जहां पे लिटरेसी रेट कम होगा तो मतलब कि वहां पे पॉपुलेशन कैसी होगी, लेबर क्लास होगी, या फिर उनको गुजर बसर करने के लिए लेबर करना पड़ेगा, कोई हाई स्किल जॉब या बिजनेस वो कर नहीं सकते हैं। तो किस तरह से हम फ्यूचर को हम बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए हमें ध्यान से एनालाइज करना पड़ता है, सर्वे करती है सरकार, और ये सही डाटा जब सरकार के पास अवेल होता है ओनली देन दे कीप्स ऑन मेंटेनिंग देयर पॉलिसीज, राइट। उसके बाद हमारा आता है पॉपुलेशन पिरामिड। जैसे हम लोग बचपन में आप लोग बनाए बताया बढ़ाया हुआ या फिर बनाते भी है फिजिकल एजुकेशन पिरामिड बनाते हैं, बिल्कुल एक बिना टॉप पे होता है और उसके ऊपर हम लोग यूं करके पिरामिड बनता है, उसी तरह से हम पॉपुलेशन का भी पिरामिड बनाते हैं। इसमें ये हमारे एज ग्रुप रखे हुए हैं, ठीक है, और इसको हम एसेक्स पिरामिड भी कहते हैं कि एज वाइज और सेक्स वाइज, यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे फीमेल है, तो यहाँ पे 0 to 14, 0 to 14 का मतलब क्या हुआ, यंग तक है, जब अभी एडोलेसेंस सब की बच्चा नहीं पैदा, टीनेजर्स में है, जब ही क्या स्कूल गोइंग एज है, ठीक है। इसमें क्या है, जो फैमिली मेंबर्स पे जो बच्चा होता है वो टोटली डिपेंडेंट है, ठीक है, सुबह से लेकर रात तक उसकी हर एक रिक्वायरमेंट के लिए स्कूल जाना, फी पे करना, ट्यूशन जाना, डांस क्लास जाना, दिस जाना, घर जाना, फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट चाइल्ड इज डिपेंडेंट अपॉन हिज पेरेंट्स, चाहे वो मेल हुआ या फिर फीमेल हुआ, ठीक है। तो इसका जो रेशियो है ये अगर ज्यादा है दैट मीन्स द मोर बर्डन इज देयर ऑन द पेरेंट्स, ठीक है, पूरी कंट्री की बात हुई है। अब यहाँ पे देखिए 15 to 65 यहाँ की जो एज है, ठीक है, हम यहाँ पर अगर कॉलेज लाइफ तक चले जाएंगे जहां तक लोग जॉब करना थोड़ा स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जब वर्किंग करना स्टार्ट किया आफ्टर 25 or 20 से, तो यहाँ पे देखिए हमारे कंट्री में ये कम हो रहा है, दिस पोर्शन इज डिक्रीजिंग, मतलब इस एज ग्रुप के लोग बहुत कम हैं जो कमा रहे हैं, कमाने वाली एज है जिसको, कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एनीथिंग व्हाटएवर दे आर डूइंग, और 65 and above अगेन द रिटायरमेंट इज देयर, देन अगेन द रेशियो इज क्वाइट हाई। सो हाउ इट इज हैपनिंग, इफ द वेदर दैट पर्सन इज अ मेल और दैट पर्सन इज फीमेल, दिस इज ऑल्सो अ डिपेंडेंट, वो भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, है ना, वो आत्मनिर्भर नहीं है, जो निर्भर है जिसके ऊपर वो इस एज ग्रुप के हैं। 15+ में माली कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे होते हैं जो लोग स्टार्ट कर देते हैं मजबूरी वश, अगर मान लीजिए हम 20 to 25 एज ग्रुप मान रहे हैं, और ये जो पिरामिड है जिस भी कंट्री का ये पिरामिड ज्यादा होगा, That means ये क्लास ज्यादा होगी, That country will be amongst the leading one. Why it so? Because ये तो कमाने वाली एज है, काम करने वाली एज है, बिजनेस करने वाली एज है, या कुछ भी काम धंधा करने की एज है, उस एज ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, और जो डिपेंडेंट है मतलब स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो कम है, That means the birth rate is low. Only then this thing is possible. ये कम है, ये रेशियो ज्यादा है, ये कम है, तो आराम से कंट्री चलती रहेगी। अगर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है और ये जो पालने पोसने वाली है वो कम है, तो ऑब्वियसली कंट्री का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा। अगर सनसेट 2020 की अगर हम बात करें तो इंडिया की एज 28 to 29 के बीच में आती है, दैट मीन्स वी आर हैविंग सो मच ऑफ यंग ब्लड टैलेंट, है यंगस्तान है, बिल्कुल यंग है उस एज में, जिसको हम कमाने वाली एज कहते हैं, आगे बढ़ने वाली एज है। अगर हम अपने कैपिटल को, अपने कैपिटल मतलब वी द ह्यूमन रिसोर्स, इफ वी द ह्यूमन रिसोर्स आर इनिशिएटिव इन यूटिलाइजिंग इट आर पोटेंशियल इन द प्रॉपर डायरेक्शन, तो हम लोग का फ्यूचर बहुत बेहतर हो सकता है। कैसे होगा, देखिए इंडिया ने रिगार्डिंग चाइना, इफ यू टॉक अबाउट चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए फैमिली प्लानिंग के, उन्होंने कहा वन फैमिली मींस वन चाइल्ड एंड दैट्स इट, उसके लिए उन्होंने बहुत ही अनइवन मेजर्स भी लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसा फ्रेज आया उनकी इकोनॉमी में कि जब
डिपेंडेबल पॉपुलेशन जो होती है ना आफ्टर 65, वो बहुत ज्यादा एक्सीड होगा, जो कमाने वाले लोग बचेंगे। तो हम अपनी कंट्री में ऐसा कोई मेजर भी नहीं ले सकते हैं, स्ट्रिक्ट फॉर मेजर भी नहीं ले सकते हैं जिसमें ये जो गैप है वो ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो ये जो 28 टू 29 के बीच की जो एज है, दैट मीन्स हमारे इंडिया की एज है, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कुछ आगे करने का, कुछ कर गुजरने का। तो अगर ये लोग, हम और आप जैसे लोग भी अगर अपनी पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में लगाते हैं तो ऑब्वियसली वी कैन क्रिएट द हिस्ट्री इन द होल वर्ल्ड। फाइन, सो दिस वॉज अबाउट पॉपुलेशन पिरामिड, कि पॉपुलेशन पिरामिड में कहां जा रही है हमारी कंट्री। कंपोजिशन मतलब कि कितने परसेंट, 18% 19% जो भी है, इतने लोग लिटरेट हैं, इतने लोग रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, क्या है कंपोजिशन हमारे कंट्री का। चेंज मतलब कभी लोग यहाँ से माइग्रेट करके वहां जाते हैं, डेवलप से अंडर डेवलप में जाते हैं कुछ नए तलाश में। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमारे पॉपुलेशन के अंदर आती हैं। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो यस स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टडी दैट हाउ पॉपुलेशन कैन एक्ट एज एन एसेट। देयर आर डिफरेंट वेज एंड मींस थ्रू व्हिच अ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज डिपेंड। How are young blood, our population composition we have already discussed, how we are utilizing our population, what our population is doing is the most important facts in order to consider population as an asset, as it can also act as liability. Fine, that means हमारे लिए वो एक बोझ भी बन सकती है। देखिए अभी हमारी आर्मी मेन होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल अपनी जान निशावर कर देते हैं अपने मातृभूमि के लिए। ठीक है, उसी तरह से हम ये जो टेररिस्ट होते हैं, उनको हम आतंकवादी कहते हैं, उनको भी गन चलानी है, इस तरह से फायरिंग करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है। आपने मूवीज में भी देखा होगा कितना वो लोग दिमाग लगा लेते हैं डिस्ट्रक्टिव वे में कि किस तरह से हम दुनिया को तबाह कर देंगे। अगर उसी चीज को अगर हम पॉजिटिव पॉइंट में लें तो क्या चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं? ऑब्वियसली हो सकती है। उसी दिमाग को अगर हम डिस्ट्रक्टिव जगह पे लगा लेते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम इस तरह से स्किल कर देते हैं कि वो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव सोचने लगता है, तो वो लायबिलिटी बन जाती है। और वही इंसान जब अच्छे कर्मों में लग जाता है, अच्छे काम करता है, देश की उन्नति के लिए सोचता है, काम करता है, तो देन इट एक्ट एज एन एसेट। इंसान वही है, पोटेंशियल वही है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसके लिए आजकल हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें सहूलियत हो गई है, कैसे हो गई है, ये सब सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन अगर उसी को डिस्ट्रक्टिव होते कि हम घर बैठे बैठे कहीं और बम ब्लास्ट हो जा रहा है और हम तो अपने घर में आराम से बैठे हैं, तो ये क्या हमने अपने ब्रेन को किस तरह से लगाया कि वो किस तरह से कहीं कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है और कहीं पूरा डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो अगर इस तरह से कहेंगे तो हमारा जहां पे हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली द रिजल्ट्स विल बी पॉजिटिव, और जब हम नेगेटिव कामों में निकलेंगे तो हमें काम का रिजल्ट भी नेगेटिव मिलेगा। पीपल इफ दे आर एंगेज इन नेगेटिव एक्टिविटीज, मल प्रैक्टिसेस, ड्रग्स पीना, स्मैक पीना, दारू शराब, इन सब चीजों में लगे हुए, नशे में लगे हुए, तो क्या काम करेंगे? अच्छी आदतें पाल रखी हैं, अच्छे कामों में लगे हैं, तो दे विल बी एक्टिंग एज एन एसेट। सो दीज आर द थिंग्स दैट मैटर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय वुमन, एंड वुमन कैन परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। He can start some business, fine. Either he can be some professional, or he can be employed somewhere. ठीक है, तो ये क्या है, इन तीन चीजों में engage करके या तो हम कोई business start कर लिए और अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई professional है, हम अपना काम कर रहे हैं professional through में, हम अपना professionally भी काम कर रहे हैं, employment में रोजगार ले लिया, नौकरी ले ली और उसके लिए हम काम करने में लगे हुए। सो दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर ह्यूमन कैन परफॉर्म टू अर्न हिज डेली ब्रेड।
service of women, they are not paid. Yet, after so many years of independence, we are suffering from this problem that yet Indian women are not being given equal opportunities or the equal pay in the society. Why it is so? There are so many factors which are responsible for it. Many companies do not want to employ the girls because they think that although she has given the potential talent for that very job, but what will happen if they will get married? शादी हो जाएगी तो फिर से मैं इंटरव्यू कंडक्ट कराना पड़ेगा, इतने खर्चे कौन उठाएगा? तो हम एक नई एक यंग लड़की को अपॉइंट ही नहीं करते. लेडीज को इतनी नहीं इंपॉर्ट करती, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. इफ शी विल गोइंग ऑन मैटरनिटी लीव, देन हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर? तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, इवन द कंपनी इज ऑल्सो टेकन इन दैट वे. अपार्ट फ्रॉम द फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली एंड द सोसाइटी प्रॉब्लम, विच द गर्ल्स एंड वुमेन्स लाइक मी एंड यू आर येट दे आर फेसिंग. इफ दे वॉन्ट टू डू समथिंग, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर पुलिंग देयर लेग्स that you are not supposed to do so. Today also, in the 21st century, जब हमारी यहाँ की ladies बाहर जाके काम करती हैं, उनको ज्यादा success मिल जाती है. क्यों? क्योंकि 80% of the ladies are busy in their household chores, home responsibilities, in-laws problems. So much of vicious circle is there that they are being trapped in that circle itself, and they are not being able to overcome and stand out. Fine, although they are having everything. So yet this vicious circle is there, and that vicious circle has to be broken by the people like me and you only. Fine, कि उस जंजाल से इनको बाहर निकाल के खुद को साबित करने का मौका दिया जाए कि yes, they are also having the potential. So why not they should be paid as much as equal to the men when they are performing the same activity, same physical work, same mental work they are performing. Yet they are not being paid equal. Fine. So this condition has to be better. Role of education. All these problems solution lies in it. Why? Because if the people are educated, if our young blood are educated, they are much aware of the society. They know that the importance of a boy and the girls are equal. Now the girls are no way less than the boys. So why we are discriminating between a male child and a girl child? How this is happening? Because in the schools also, education are being provided that there's no way the female are responsibility and no way the female are responsible for the gender discrimination between a boy, whether that baby is born as a boy and a girl. So how this education system is there? Who has changed the mindset of the people? Yes, female are not responsible. Why do we keep on criticizing the female that yes, we have given birth to the girl child who are cursed to the society? Because if the people are educated, they know what they have done, what is their future, they are hardly going to, these things are hardly going to affect them. Fine. So how this is happening? This is possible only by providing education to the people. If the people are educated, उनको अपने बारे में पता है, उनके भविष्य के बारे में पता है कि आज अगर हम यहाँ हैं, हम अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए हमें पढ़ाई लिखाई जरूरी है. उन्होंने बीटेक किया, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, कुछ भी बन रहे, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो अपने वाले आने वाले फ्यूचर को बेहतर बना रहे हैं. ना ही सिर्फ अपना फ्यूचर, पूरे कंट्री के फ्यूचर को वो लोग बेहतर कर रहे हैं. So all these are things which matters a lot. Pandit Jawaharlal Nehru has very rightly said that if a male is educated, one family moves. If a male is educated, one family moves. But when a female is educated, the whole nation. ठीक है? जगह अगर हमारे घर में एक अनेक gents पे होता है जो educated होता है, तो उसके family का आगे बढ़ सकती है. लेकिन जब एक female educated होती है तो पूरा देश तरक्की करता है. कम से कम जब फीमेल एजुकेटेड होती है तो दो घरों में उजाला होता है. तो इसलिए फीमेल एजुकेशन प्रोवाइड करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मेल.
क्योंकि ये हमारी आधी आबादी है, इट इज हाफ आवर पॉपुलेशन. अगर हमारी आधी आबादी सो मेनी गर्ल्स सो मेनी लेडीज आर बी एनेमिक इन इंडिया, इट इज अ वेरी हार्ड इश्यू. उनके अंदर खून की कमी पाई जाती है, मतलब हेल्थ कंडीशन आर वर्स्ट इन इंडिया एज कम्पेयर, चाहे वो उनकी टीन एजर्स की एज हो तो उसमें भी वो एनेमिक है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन जो उनको उस एज ग्रुप में चाहिए होता है व्हेन दे आर बिकमिंग एन एडल्ट लेडी वो उनको नहीं मिल पाता, दे आर फीलिंग एनेमिक. एट द टाइम ऑफ मैटरनिटी लीव व्हेन अ लेडीज गोज एट द टाइम व्हेन शी इज लैक्टेटिंग शी ग्रोज ओल्डर, दे आर सो मेनी फेजेस थ्रू विच अ लेडी हैज टू गो थ्रू एंड इन दैट दोज फेजेस द बॉडी रिक्वायरमेंट आर टोटली डिफरेंट. पीपल आर जस्ट नॉट अवेयर ऑफ इट, दे वॉन्ट that their work should be done and least they are concerned about the health of the ladies. इसीलिए जो health condition है ladies में वो बहुत ही miserable है, ठीक है. बहुत ज्यादा ladies का जो ratio है वो tuberculosis से वो पीड़ित है, बहुत ज्यादा वो uneducated है, बहुत ज्यादा उनको anemic है, anemic के condition तो सबसे ज्यादा है, iron की कमी होना. ये सब क्यों है? क्योंकि वो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज है, लोगों को इसके बारे में जागरूकता ही नहीं है. बस जो काम है वो हो रहा है. द लीस्ट कंसर्न अबाउट द हेल्थ ऑफ द लेडीज. तो जो गवर्नमेंट में भी जो कई सारी की पॉलिसीज चलाती है, स्कीम चलाती है, कि जब एक अगर हम आशा की बात करते हैं, किरण की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग खुद भी जैसे आपको टेटनेस के इंजेक्शन लगने हैं या फिर ये इसके आयरन और कैल्शियम की गोलियां हैं जो खानी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देती है गवर्नमेंट? ताकि वो जो आम जनता या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोग या फिर जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वो अगर उतनी हाई क्लास मेडिसिन या दवाइयां नहीं खा पा रहे, हम उन लेडीज को किस तरह तक उनको स्वस्थ रखेंगे? क्योंकि अगर एक लेडी स्वस्थ होगी तभी वो स्वच्छ बच्चे को जन्म दे सकती है. Until that lady is suffering from so many diseases, how can we expect that she will be giving delivery to a healthy child? So all these half of our population, जिसको हम आधी आबादी कहते हैं, अगर उनकी education की तरफ ध्यान दिया जाए तो बहुत कुछ condition India की सुधर सकती है. Indian की Indian women's की condition worst क्यों है? क्योंकि अगर किसी के पास टैलेंट है, कैलिबर है, वो आगे चल के कुछ करना चाहती है तो बहुत सारे लोगों को पीछे करने के लिए भी तैयार बैठे होते हैं. क्यों बैठे होते हैं? ये मेंटालिटी की बात होती है, जिसको हम क्रैप मेंटालिटी बोलते हैं. कहते हैं कि अगर आप जो क्रैप होते हैं उनको आप केकड़े हिस्सों कहते हैं, एक जार में रख दीजिए और जार का ढक्कन बंद मत करिए, खुला रखिए, ठीक है. You need to have to close it. कभी भी कोई भी क्रैब जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा. क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि एक क्रैब जो किसी तरह मुश्किल से कोशिश करते करते थोड़ा ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है कि मैं बाहर निकल के मुझे आजादी मिल जाए, तो नीचे वाले लोग उसको पकड़ के टांग उसे खींच लेता है. दिस इज वॉट अबाउट इज नोन एज इंडियन मेंटालिटी. अगर कोई प्रोग्रेस करता है तो उसकी लैक कॉलिंग इज दिस वन. सो वन हैज टू ओवरकम थ्रू ऑल सो मेनी काइंड्स ऑफ curse which are being prevailing in the society. What the people will be doing, what they will be thinking about it, if that some lady is working outside and going, so many things are there. So these are the things that ultimately is affecting our economy. That is unemployment. This is the condition when a person is able, caliber and talented enough, is searching for a job, is willing to do the job, and he that person is searching for the job, but that person is not ultimately getting the job. वो इंसान जो काबिलियत है, पढ़ा लिखा है, जरूरतमंद है, और वो चाहता है, और वह चाहता है कि मैं जॉब करूं, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल पाता, उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड है या फिर वो बेरोजगार है, ठीक है. इंडिया में ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के सर्च में ही लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं. अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर उसमें भी डिस्कस किया कि कुछ
स्टेट जो है डेंसली पॉपुलेटेड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जहां पे रूरल एरिया है, सेमी रूरल एरिया है या उतने डेवलप्ड प्लेसेस नहीं है, वहां के लोग वहां पे जाके काम करना चाहते हैं ताकि उन्हें दो वक्त की रोटी नसीब हो सके, ठीक है। तो उसकी तलाश में लोग माइग्रेट करते हैं। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी जगह है कि कुछ इसका डिसएडवांटेज भी हो जाता है, जैसे हम लोगों ने कर्ज और लायबिलिटी की बात करी है सोसाइटी में, वो कैसे हो जाता है, थोड़े से पैसे के लिए कमाने के लिए लोग गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं, गरीबी है, भुखमरी है, उससे ओवरकम करने के लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो ये जो इस चीज को हम नेगेटिव इफेक्ट हमें ज्यादा मिल जाता है। अगर हमारी पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग रेशियो में कि कितना है अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसएम्प्लॉयमेंट, उसमें जब हम अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो देखते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो वो इसलिए ज्यादा मिलता है कि कंडीशन किस तरह की है, हमारे कंट्री में पढ़े लिखे रोजगारों की भी कमी नहीं है, काबिलियत भी है, हुनर भी है, पढ़ाई लिखाई भी कर रखी है, लेकिन वी आर नॉट गेटिंग द जॉब, सो पीपल आर माइग्रेटिंग आइदर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन सिटी टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर, और वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इस एम्प्लॉयमेंट को करने के लिए को दूर करना भी किसका काम है, गवर्नमेंट का, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में बदला जा सके। सो दैट द गवर्नमेंट, आप लोग ने जो मोदी जी की योजना है मेड इन इंडिया, ये सब क्यों है कि सबको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए। अगर सबको हम हाई कॉलर जॉब नहीं दे पा रहे हैं तो सबको स्किल्ड करें, स्किल्ड रहने का काम ये है कि अगर हमारे हाथों में अगर कोई हुनर है, हम किसी चीज को ये जानते हैं कि इस ये काम किस तरह से हो सकता है, तो आप उस काम को और बेहतर ढंग से किस तरह से कर सकते हैं। कितने सारे गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी होती हैं कि पिस्सी कल्चर है, हॉर्टी कल्चर, पोएट्री फार्मिंग है, ये सब खोलिए ताकि आप ग्रास रूट लेवल पे काम करके अपने घर पे रहकर, अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ रहकर आप काम करें, आपको काम करने का मौका मिले और आप एम्प्लॉयमेंट भी आपको मिल जाएगा। आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड यू डोंट हैव टू वर्क फॉर समबडी एल्स। व्हेन यू आर वर्किंग फॉर वन सेल्फ यू आर अर्निंग ऑल्सो, ठीक है। बिजनेस के लिए पैसे देना, अपनी जॉब जो छोटे मोटे, जैसे हम लोग के कुछ ऐसी कलाएं हैं जो लुप्त होने के कगार पर रह गई है, जैसे बनारसी साड़ियों में जो काम हुआ करता था, जरी वर्क है, ये सब है, बहुत ही फाइन हैंड वर्क होता है जिसको करने में बहुत ज्यादा महीने लग जाते हैं एक साड़ी बनाने के लिए, लेकिन इससे जो इनकम होनी चाहिए वो उतनी नहीं है, ठीक है। तो आजकल के जमाने में सबको अपने घर परिवार चलाना है, सबको अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो उस तरह के लोग उस चीज को स्विच ऑफ करके दूसरे एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर उस चीज का हम प्रमोशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल के थ्रू प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं नाबार्ड वगैरह, उसमें क्या है वो जो ऑलरेडी जो काम चलता है उसी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, प्रदर्शनियां लग रही है, मेले लग रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या फिर राष्ट्रीय लेवल पर, जहां पर लोग आ रहे हैं उनको अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका मिल रहा है, तो उसमें क्या है उनके अंदर जो हुनर है, काबिलियत है, उसी के थ्रू उनको रोजगार मुहैया कराना और उसी को पॉलिश करना, सो दैट द पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सोशल फैक्टर ऐसा होता है कि समाज का नजरिया क्या है, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अभी हम लोगों ने फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात की कि इतना रेशियो कम है कि लड़कियों को जन्म देने का भी अधिकार नहीं प्राप्त है, एक लेडी को ही प्राप्त नहीं है, तो क्यों है, क्योंकि लोगों का नजरिया ऐसा हुआ है कि लड़का है तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, बहुत सारे काम हाथ करने के लिए चाहिए, तो अगर लड़का रहेगा तो हमारे पास शक्ति होगी, हम आगे बढ़ेंगे, और लड़की को पढ़ा लिखा के भी क्या करना है, जब दूसरे घर विदा कर देना है, ये जो एटीट्यूड जब तक चेंज नहीं होगा तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होगी। अगर हमारे भी पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने ऐसा सोचा होता तो शायद हम आज आप लोगों के सामने खड़े होकर यूं नहीं पढ़ा रहे होते, क्यों, अगर ये लोग सोसाइटी का नजरिया अगर नहीं बदलेगा तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज, येट सो मेनी पीपल विल बी रिमेन इन दैट विशियस कल्चर ओनली, ओके, इफ दे आर नॉट चेंजिंग देयर सोशल एटीट्यूड, तो सोशल फैक्टर्स आर द मोस्ट अनिवार्य, द पीपल आर नॉट येट अवेयर टू
how they have to take care of themselves, how they are going to take care of their young families. तभी तो ये जो अली मैनेजर्स की जो बात है वो धीरे धीरे खत्म करी गई. ये सारे सोशल लेबल्स हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते आए हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए या फिर राजा राम मोहन रॉय हुए, इन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया ये हमारे वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए. कि ये सारे जो ऐसा नहीं जो ब्रिटिशर्स आए तो सब कुछ गलत ही था, कुछ इंडियन इवल्स थे जिनको रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया. अभी तक अनटचेबिलिटी है, क्यों है भाई, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, आप अनटचेबिलिटी में ही रह गए, तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया. सो इफ ऑल दीज इवल्स आर बीइंग गोइंग टू वैनिश आउट फ्रॉम आवर सोसाइटी, वी कैन एक्सपेक्ट दैट द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री कैन टेक प्लेस. तो यस रियली वी कैन एक्ट एज अ एसेट फॉर द सोसाइटी. फाइन, इन दिस चैप्टर वी हैव केम अक्रॉस मेनी थिंग्स, बर्थ रेट, डेथ रेट, कंपोजिशन हाई क्यों होता है, लो क्यों होता है, डेथ, सो मेनी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. बट माय डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट और द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ यू पीपल कैन एक्ट एज एन एसेट. चेंज योर माइंडसेट रिगार्डिंग द सोसाइटी, चेंज योर माइंडसेट रिगार्डिंग सीइंग द जॉब. हियर दिस इज आई एम सो वेल एजुकेटेड इनफ, सो हाउ कुड आई चेंज, लुक फॉर दैट थिंग टू डू अ जॉब. कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता. जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप करने की देर होती है. द जर्नी ऑफ 100 माइल्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप. अगर हमने सिंगल इनिशिएटिव ले लिया, देन यस थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज्ड. फाइन, सो यू आर द एसेट. आई होप दैट माय ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग दिस चैप्टर वाज दैट अपार्ट फ्रॉम द कोर्स और करिकुलर एक्टिविटीज और द सिलेबस व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन योर books, my message is that one has to be acting as an asset. You are the most valuable asset for the society. So try and prove your parents, your teachers, your relatives, your elder ones, your near and dear ones ki yes, we are something through which an India can expect a better future for tomorrow. Thank you. I'm just closing my words by this lines only. Thank you very much. If you have liked it, understood the chapter, try to respect your parents, your teacher, and act as a most important asset for the society.